दोस्तों, आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो शोक समाचार के कॉलम में अपनी फोटो देखकर मैं हैरान था। इसमें लिखा था कि मैं मर गया हूं। लगता है किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है। लेकिन रुको, थोड़ा सोचता हूं। अरे हाँ, पिछली रात को ही मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था। मैं पसीने से तर बदर हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, शायद मैं गहरी नींद में सो गया था। अरे सुबह के 8 बज गए हैं, लगता है आज ऑफिस में फिर लेट हो जाऊंगा। आज फिर चिड़चिड़े बॉस का भाषण सुनना पड़ेगा। पर ये क्या, मेरे ड्राइंग रूम में से इतने लोगों की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे यहां तो बहुत भीड़ है, ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? ये क्या, मेरा शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा जमीन पर क्यों पड़ा है? मैं यहां हूं, मैं चिल्लाता हूं, कोई इधर देखो, देखो मैं इधर हूं। पर ये क्या, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ना ही कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है। हर कोई बस रोती हुई आंखों से मेरे शरीर को देख रहा है। मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूं। बाहर कोहराम मचा हुआ है। ये क्या, मेरी बीवी रो रही है? वो बहुत दुखी और उजड़ी सी दिख रही है। मेरे बेटे और बेटी भी रो रहे हैं। मेरी मां भी जोर जोर से रो रही है। लगता है मैं मर गया हूं। नहीं, मैं कैसे मर सकता हूं? अपनी बेटी और बेटे से यह कहे बगैर कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूं। मैं कैसे मर सकता हूं अपनी बीवी से यह कहे बगैर कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और ख्याल रखने वाली बीवी है? कैसे मर सकता हूं मां बाप से यह कहे बगैर कि वो हैं तो मैं हूं? मैं कैसे मर सकता हूं अपने दोस्तों से ये कहे बगैर कि वो मेरे जीवन के सारे गलत फैसलों पर मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाया जहां उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरे वहां कोने में मेरा सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा है। कभी हम सबसे पक्के दोस्त थे, एक छोटी सी गलत फहमी ने हमें दूर कर दिया था। हम दोनों के अहंकार की वजह से कभी हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए। मैं उसके पास जाता हूं और उससे कहता हूं, दोस्त मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, मुझे माफ कर दो। पर यह क्या, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी वो अहंकार में है? जब मैंने उससे माफी मांग ली है तो ये मुझे माफ क्यों नहीं कर रहा? बस रोता ही जा रहा है। पर एक सेकंड, शायद ये मुझे देख ही नहीं पा रहा है। तो क्या मैं सच में मर गया हूं? जमीन पर लेटे मैं अपने शरीर के पास बैठ जाता हूं। क्या करूं, कैसे करूं, किसे पुकारूं? कोई मुझे सुन ही नहीं पा रहा है। हे भगवान, मुझे कुछ और समय दे दे। मैं अपने बच्चों, बीवी, मां बाप, दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि मैं इन सबको बहुत प्यार करता हूं। मेरी बीवी कमरे में आती है। मैं उसको बोल रहा हूं, तुम बहुत सुंदर हो। मैं प्यार से बार बार दोहराता हूं, वो मुझे सुन ही नहीं पा रही है। सच ये है कि जीवन में उसने ये शब्द मेरे मुंह से कभी सुने ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी उससे ये कहे ही नहीं। हे भगवान, मुझे थोड़े दिन और दे दे, केवल एक बार, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहता हूं। अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। अपने पिता को अपने ऊपर गर्व करवाना चाहता हूं। मैं तो इन्हें कभी समय ही नहीं दे पाया, मैं इन्हें बहुत सारा समय देना चाहता हूं। मुझे लगता था दुनिया में मेरी किसी को फिक्र नहीं है, पर ये सब तो मेरे लिए रो रहे हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने ऊपर देखा और चिल्लाया, भगवान प्लीज 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 मुझे एक मौका और दे दो। और उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली।
तभी मुझे किसी ने कंधा पकड़कर हिलाया। मैंने आंखें खोली, मेरी बीबी चाय का कप लेकर मुझे उठा रही थी। मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने लंबी सांसें ली और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरा ख्याल रखने वाली दुनिया की सबसे हसीन बीवी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी जिसको आज मैंने पहली बार समझा था। और मैंने खुशी खुशी मन में बोला, हे ईश्वर, इस दूसरे मौके के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, ये हम सबकी कहानी है। अभी भी देर नहीं हुई है। अपने झूठे अहंकार, अतीत के पुराने विवाद और मतभेदों को बुलाकर अपने प्रियजनों और मित्रों से खुलकर प्यार करो और सभी झगड़ों और मन मुटाव को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि मेरी तरह आपको दूसरा मौका शायद नहीं मिलेगा।